बोलो आप जो जर्नी T20 मेरे को अभी किसी ने बताया भाई यू स्टार्टेड इन 2007 यू वन द वर्ल्ड कप एंड यू लीविंग द गेम विनिंग द वर्ल्ड कप सो दैट्स अ टेलर मेड सिचुएशन फॉर मी बेस्ट मतलब मैंने स्टार्ट किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में पहला मेरा चैलेंज था ऑब्वियसली मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए बट उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहां पे जीते उसके बाद अभी ये तो फुल सर्किल प्रॉपर सर्किल सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस तो वो 2000 फाइनल के लास्ट ओवर में आपने एक छक्का मारे थे दैट बिकेम वेरी वाइटल वो अभी भी लाइक याद है याद है देखो अभी हम तो उस टाइम पे इतने छोटे थे 20 साल के थे तो जो जैसे मैं अभी हमारे मेरे प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि अपना अपना जो रोल है वो करने की कोशिश करो तो मेरा उस टाइम पे रोल था कि मैं तभी 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करता था तो उस टाइम पे फिनिश अच्छा करना बहुत जरूरी था उस टाइम पे हमारे लिए उस टाइम पे 140-150 एक अच्छा स्कोर होता था तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि कैसे भी करके 150 के आसपास पहुंच जाए एंड इवेंचुअली आई थिंक वी एंडेड अप समवेयर अराउंड दैट 150 के आसपास तो इट वाज अ अगेन उस टाइम पे लर्निंग स्टेज था मेरा सीख रहा था चीजें एंड नाउ ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इट्स कम टू अ फुल सर्किल आई एम अ लाइक आई अंडरस्टैंड गेम मच बेटर नाउ Having played the game for so many years, so it's been brilliant. Rohit, test captain, one day captain, और T20 captain, ये जरा मुश्किल है बहुत क्योंकि हर ball पे बदलता जाता है. बिल्कुल देखो, I think it's a big challenge to play all three formats and let alone captaining it. I think हमारे लिए भी players के लिए भी बहुत difficult होता है quickly adapt करना. Test match जब आप खेल रहे हो आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे अपने गेम अपने बैट्समैनशिप पे काम करना पड़ता है ध्यान देना पड़ता है T20 में जब आप आते हो आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही क्योंकि मैं ओपन करता हूँ तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में और ऐसा फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मजा भी उतना ही आता है क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है फील्ड सेट है बोलर्स आते हैं काम करते एंड देन यू मूव वन और टू फील्डर्स हियर एंड देयर एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर किस बैटर को ऐसे आउट करना है बट T20 में गेम फास्ट चलता है आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है तो मजेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट और मैंने सर्टनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज का काफी इंजॉय किया है कैप्टेंसी करना बैटिंग करना तो इट्स बीन ग्रेट रोहित बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे देखो क्रिकेट एक्चुअली वेस्ट इंडीज में क्रिकेट काफी माना जाता है यहाँ पे इतना हिस्ट्री है क्रिकेट का इतने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले इस कंट्री से तो यहाँ पे हमेशा जब भी हम आते लॉजिस्टिक्स के अलावा बड़ा चैलेंज हो जाता है बट दैट इज फाइन यू हैव टू एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग अराउंड इट और बैटिंग भी करने के लिए यहाँ पे बहुत मजा आता है यहाँ पे विकेट्स अच्छे होते हैं चैलेंजिंग होते हैं कभी कभी तो यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ मैंने अपना क्रिकेट बहुत इंजॉय किया अगर आप ODI वर्ल्ड कप जीत जाते हैं Would you have played this T20 World Cup? I don't make decisions like this. मतलब whenever you feel inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस World Cup के बाद ये World Cup खेलता या नहीं खेलता. ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ. मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूंगा मैं बट सिचुएशन ऐसा आ गया आई थॉट इट इज द परफेक्ट सिचुएशन फॉर मी एंड नथिंग बेटर देन विनिंग द कप एंड सेइंग द कप 100% हाँ नहीं नहीं देखो यार धोनी भाई तो ऑब्वियसली इतने
शानदार प्लेयर रहे हमारे लिए, देश के लिए इतना कुछ किया उन्होंने, तो अच्छा लगा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है इंडिया की विक्ट्री को। आई एम श्योर सारे इंडियन, सारे देशवासी जितने भी हैं यही चाहते थे कि हम कप जीते कैसे भी करके, तो ये हो गया है।